नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कंसेप्ट क्लियरेंस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका वीडियो जो है लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप चैनल पे विजिट करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं कि अगर आपको कोई नोट्स अगर चाहिए तो। ये जो वीडियो है कंसेप्ट क्लियरेंस रहेगा, मतलब सिंपल भाषा में, आम भाषा में किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, ये इजी टू रिमेम्बर, याद करने के लिए और मेमोराइज करने के लिए जो है ये वीडियो में आज बनाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने पूरा एक पार्ट बनाया हुआ है, डायग्राम पे मत जाएगा, डायग्राम बहुत अच्छी है मेरी। तो सबसे पहले इसमें जो है यहां से माउथ रहता है, उसके बाद जो है यहां से ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये सिंपल एक पार्ट रहते हैं। इसके अलावा ये इस पार्ट को जो है इसे कहा जाता है जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसके अलावा जो पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं, फिर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो रहता है लीवर, पैंक्रिया और गाल ब्लेडर। तो एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे पूरे वीडियो में, आज पूरा समझेंगे। तो यहां से जैसे ही जो फूड है वो डाइजेशन के लिए शुरू होता है, ये एक यूनिक और एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी रहती है फूड की, जो कि माउथ टू एनस तक रहती है। तो जब भी कोई फूड जो माउथ में आता है, जो माउथ क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो माउथ में आने से पहले ही कभी कभी हमारे जो सलाइवरी रहती है, जो जब हम किसी फूड को देखते हैं या फिर कोई स्मेल लेते हैं, तो फूड माउथ में लेने से पहले ही कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सलाइवा जो स्टिमुलेट हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया है, मुंह में पानी आना जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे ही फूड यहाँ माउथ में आ जाता है, दांतों की मदद से यहाँ पे इसको चबाया जाता है, जो बड़ा साइज फूड रहता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसे दांतों की मदद से किया जाता है, और जो टंग रहती है, टंग से वो मूवमेंट रहती है। तीसरा, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसके अंदर क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को और ब्रेक डाउन करते हैं और आगे पास ऑन करने में मदद करते हैं। तो एंजाइम का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है, एक तो वो फूड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करता है, उसके बाद डाइजेशन के लिए एंजाइम की, जो ये एंजाइम निकलता है उसकी जरूरत रहती है, उसके बाद ये जो फूड रहता है ये उसे बोलस में बना देता है, जो निगलने के लिए जो बनता है, जो एक थोड़ा सा म्यूकस है वो इसके लगा लेता है, म्यूकस एक नेचर दे देता है जिसकी वजह से वो निगलने में आसानी जाती है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रकिया, और फिर यहां से ये जो पोर्शन है ये होता है ईसोफेगस, जो कि नली जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि फूड नीचे की तरफ जाता है। अब यहां पे ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। यहां से एक जो नली जाती है वो जाती है लंग्स की तरफ, और एक जो ये नली है ये जाती है स्टमक की तरफ। तो ये जो यहां पे एक पर्दा टाइप दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। इसका क्या काम है, ये मैनेज करता है कि कब डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रायोरिटी देना है या फिर कब लंग्स को, जो है मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रायोरिटी देना है। ये एक प्रकार का ऐसा पर्दा रहता है जो कि ऐसा बंद चालू होता रहता है। हमें ये कहा जाता है कि खाना खाने के समय में बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दूसरे गले में खाना चला जाता है। दूसरा गला क्या होता है वो इसको आज समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। मान लीजिए अगर कोई खाना खा रहा है तो ये जो पर्दा है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी कि लंग्स का दरवाजा बंद कर देता है और ये खाने को नीचे जाने देता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये खाना खाने का दरवाजा बंद कर देता है, मतलब रास्ता बंद कर लेता है और हमारी सांस जो है वो रेगुलर चलती है। आपने नोट किया होगा जब आप हम कुछ खाते हैं, निगलते हैं, तो हम लोग उस समय के लिए, उस सेकेंड के लिए हमारी ब्रीदिंग उतने एक दो सेकेंड के लिए रुक जाती है। जैसे कि ये देखिए, इस टाइम पे मैं ब्रीदिंग नहीं कर पाया, जैसे ही ये निगलना यहां से हो गया मेरी ब्रीदिंग वापस शुरुआत हो गई। तो ये कौन करता है, ये करता है ये एपिग्लोटिस की मदद से। अब खाना खाते वक्त अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि ये जो एपिग्लोटिस है ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे एयर ज्यादा देना है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करना है या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, बार बार फ्लक्चुएशन में कंफ्यूज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं गलती से यहाँ पे एक दो ड्रॉप जो है वो चले जाते हैं, वो यहां तक रहते हैं, इस पोर्शन तक, वो लंग्स में नहीं आते हैं। देखो अगर कोई पार्टिकल चाहे वो फूड का या लिक्विड का अगर लंग्स में चला जाए ना, तो उसी वक्त उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो यहां पे जैसे ही कोई पार्टिकल आता है तो हमें जोर से कफ आता है, खांसी आती है, जिससे हम लोग बाहर फेंकते हैं। उसमें क्या होता है कि ये बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है।
तो कभी कभी हमारी आंखें लाल हो जाती है, आंखों में से पानी आता है, नाक में से पानी आ जाता है, या कभी कभी कोई व्यक्ति वॉमिट भी कर लेता है। तो इस हद तक जो है तो लंग्स है उसको इतना प्रेशराइज कर देता है कि जो पार्टिकल यहाँ पे गलती से आ गया वो वापस चला जाए, क्योंकि अगर गलती से भी ये पार्टिकल अगर लंग्स के अंदर चला जाता है तो आदमी के वहीं डेथ हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त जो रहता है ज्यादा बात ना करें, और पहले खाना खा लें उसके बाद जो आपको बात करनी हो करें, क्योंकि ये जो है जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा गले में चला गया, ये काफी हानिकारक रहता है। यहाँ पे जैसे फूड आ गया, यहाँ पे खाना खा लिया, यहाँ पे बोलस आ गया जो खाना हमने यहाँ पे खा लिया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन चलता रहता है। यहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसे कहा जाता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे पास ऑन होता है स्टमक की तरफ। यहाँ पे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर रहता है जिसे कहा जाता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मैं पहले के वीडियो में समझा चुका हूँ, एक प्रकार का रिंग रहता है, रबर टाइप रहता है, जो कि ओपनिंग जो है वो संभालता है, ओपनिंग क्लोज जो करता रहता है, जो कि कोई किसी भी ऑर्गन की जो माउथ पे या एंड पे वो रहता है। तो ये लोअर साइड में है तो लोअर को ये हैंडल करेगा। ये कुछ ही समय के लिए खुलता है, ये इस तरीके से रिंग रहती है, बंद रहती है। बंद क्यों रहती है? क्योंकि जो स्टमक के अंदर जो एसिड है वो बाहर नहीं आना चाहिए, इसोफेगस में नहीं आना चाहिए। अगर वो इसोफेगस में आ गया तो एसिड रिफ्लक्स होता है, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं छाती जल रही है, जो हार्ट बर्न है वो हो रहा है, तो इसके लिए एक अलग टर्म है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज या डिसऑर्डर कहा जाता है, वो एक अलग कंडीशन है, उस पर हम लोग कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो रिंग का काम रहता है कि ये जो एसिड है ये बाहर ना आए, ये सिर्फ कुछ समय के लिए खुलता है, खाना नीचे जाता है, वापस ये बंद हो जाता है, ताकि खाना जो है वो अंदर प्रोसेस होता रहे। अब आते हैं स्टमक की तरफ। ये जो स्टमक आपको दिखता है ये एक हॉलो ऑर्गन है, एक्चुअली जो जीआई ट्रैक है ये पूरा एक हॉलो ऑर्गन रहता है, पूरा एक अंदर से हॉलो रहता है, खुला हुआ रहता है, पाइप जैसा रहता है। तो एक ब्यूटीफुल जर्नी रहती है फूड की, जो इसके थ्रू जाते हैं फूड। तो यहाँ पे आने के बाद जब फूड यहाँ पे आता है तो स्टमक में जो लाइनिंग रहती है, यहाँ पे स्टमक के सेल रहते हैं छोटे छोटे, यहां से स्टमक का एंजाइम निकलते हैं, और स्टमक का जो एक एसिड रहता है, हाईली जो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहता है, वो यहाँ पे रिलीज होता है, जो कि खाने को और चबाते मतलब और उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है और एंजाइम्स के थ्रू उसे पचाने की कोशिश करता है। फिर यहां से फूड आता है इंटेस्टाइन में, यहां से शुरू होता है इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। ये अंदर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, ये इतनी जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन हिस्सों में डिवाइड की गई है, एक है ड्यूडेनम, दूसरा है जिजेनम और तीसरा है इलियम। ड्यूडेनम में मेनली जो रहता है, सबसे ज्यादा जो रहता है डाइजेशन होता है फूड का, मतलब मेनली जो जहां पे सब एंजाइम्स या फिर एब्सॉर्प्शन या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स का जो ब्रेकडाउन होता है, विटामिन्स मिनरल्स और फैट्स वगैरह, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। इलियम और जिजेनम में मेनली क्या होता है कि यहाँ से एब्सॉर्प्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स ये सब यहाँ से एब्सॉर्ब होता है। एब्सॉर्ब कौन करता है? लीवर करता है, उस पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है उसकी जो लंबाई रहती है वो लगभग 22 फुट लंबी रहती है। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फुट लंबी रहती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फूड प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ पे एक जो है लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। जब फूड जो है स्टमक में से यहाँ पे आता है, ड्यूडेनम में जब आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत में जब आता है, तब ये एक सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। फिर यहाँ पे जो फ्लूइड, वाटर, म्यूकस, पैंक्रियाटिक जूस, एंजाइम्स ये सब यहाँ पे मिलते हैं और इसे एक लिक्विड नेचर दे देते हैं। वो यहां से प्रोसेस होता है, यहां से न्यूट्रिएंट्स फैट्स वगैरह सब एब्सॉर्ब हो जाते हैं। सब कुछ एब्सॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जो कि जिसे हम लोग फीकल प्रोडक्ट कहते हैं, वो यहां से बचता है, जो कि लगभग जो रहता है लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो यहां पे जो है पहुंच जाता है लिक्विड फॉर्म में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत प्रोसेस जो रहती है। यहां पे आपको दिखेगा सीकम में जो है वो यहां पे दिया जाता है, और इस पोर्शन को जो है लार्ज इंटेस्टाइन के इसे कहा जाता है अपेंडिक्स। तो यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फाइनली जितना एब्सॉर्प्शन हो जाता है, वहां से फिर लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आ जाता है यहां पे। लिए अब ये देखते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन देखा जाए तो 8 फीट की जो है वो लंबी रहती है, 6 से 8 फीट जो है इसकी लंबाई रहती है। हाँ,
अब इसमें आपको एक डाउट आ रहा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फुट लंबी और लार्ज इंटेस्टाइन 6 से 8 फीट लंबी, ऐसा क्यों? तो इसके डायमीटर पे इसका नाम दिया गया है। ये कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन पतली रहती है इसलिए उसका डायमीटर छोटा रहता है, स्मॉल रहता है, तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन उसके डायमीटर पे नाम दिया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है, है उसकी चौड़ाई बड़ी है, इसलिए उसका लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसे नाम दिया गया है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो तीन हिस्सों में डिवाइड है, अलग अलग उसे नाम दिए गए हैं, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये है जो ऊपर की तरफ जाता है, जो ट्यूब जो होलो ऑर्गन जो है ऊपर की तरफ जाता है, इसे कहा जाता है असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और जो यहां से जो ट्रांसवर जो रहता है इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ फिर जो डिसेंड होता है इसे कहा जाता है डिसेंडिंग कोलोन, और यहां पे एक एस लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसे कहा जाता है सिग्मोइड, उसके बाद आता है रेक्टम और फिर एनस। तो ये है यहाँ पे सिंपल प्रोसीजर। अब एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो कोलोन है इसमें लिक्विड फॉर्म में जो है फूड जो है जो इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे रिसीव होता है, इसमें से क्या होता है धीरे 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 इस प्रोसेसिंग के द्वारा ये पूरे जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो फूड चलता रहता है आगे, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कॉन्ट्रेक्शन रिलेशन के थ्रू, और अंदर से एक सीलियाज रहते हैं मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि फूड को आगे प्रोसेस करने में हेल्प करता है और एब्सॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। तो ये जैसे यहाँ पे आता है इसमें से पानी जो है निकलता जाता है, वो धीरे 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 यहाँ पे आते वक्त जो है सिग्मोइड तक जब आ जाता है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पे वो जमा हो जाना शुरू हो जाता है। ये तब तक जमा होता है जब तक कि डिसेंडिंग कोलोन है। अब ये असेंडिंग कोलोन राइट साइड रहता है, डिसेंडिंग कोलोन लेफ्ट साइड रहता है, तो ये लेफ्ट साइड का जो कोलोन लगभग भर नहीं जाता है जब तक एक सेंसेशन नहीं आता है ब्रेन से कि भाई उसको जो स्टूल जो जमा हुआ है इसे आप बाहर निकालो, तब तक ये यहाँ पे जमा रहता है। सिग्मोइड जो प्रोसेस रहती है जो यहाँ पे जो उसका पार्ट रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, एक तो जो बैक्टीरियाज रहते हैं गुड बैक्टीरियाज रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो फूड है जो उसे जो है उसे और प्रोसेस करने में हेल्प करता है, जो कि वेस्ट जो है उसे और प्रोसेस करता रहता है, और बैड बैक्टीरियाज अगर आ जाते हैं गलती से जो कि इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो ये गुड बैक्टीरियाज जो बैड बैक्टीरियाज को जो है वो किल करते हैं ताकि किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो सके। ये हो गया यहां तक लार्ज इंटेस्टाइन का। अब रेक्टम और एनस का फंक्शन प्रॉपर तरीके समझिएगा, ये सिर्फ 8 इंच तक जो इसकी लंबाई रहती है रेक्टम की, और एनस की 2 इंच तक लंबाई रहती है। यहाँ पे जैसे फूड जो वेस्ट फीकस जो है वो जमा हो जाता है तो यहां से रेक्टम का जो नीचे का जो पार्ट रहता है और एनस में 2 स्फिंक्टर रहते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो रेक्टम का जो नीचे का हिस्सा रहता है और एनस का जो इंटरनल स्फिंक्टर रहता है, यहां से एक सेंसेशन जाता है ब्रेन को कि भाई ये भर गया है, इसको अभी इवैक्यूएट करो, बाहर निकालो, इसके जो है इसके रेक्टम जो फीकस है इसे अभी बाहर निकालना है। तो ब्रेन से जो आता है एक इम्पल्स आता है कि ब्रेन क्या करता है, डिसाइड करता है कि भाई ये फीकस है मतलब पोटी है या फिर गैसेस है या फिर लिक्विड फॉर्म जो डायरिया का जब हो जाता है, तब वो उस हिसाब से जो है वो एक इम्पल्स भेजता है कि इसको रिलीज करना है या नहीं करना, करना है तो कितना अर्जेंसी से रिलीज करना है। तो ये सब वो यहाँ के जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर रहता है और रेक्टम का जो बेस रहता है वहां से सेंसेशन जाता है। जो एक्सटर्नल एनल्स का जो स्फिंक्टर रहता है वो हमारे कंट्रोल में रहता है, जब तक हमें प्रेशर महसूस होता है, जब तक हम लोग बाथरूम जाएं या फिर कुछ जब तक वहां तक पहुंच सके तो हम लोग उसे रोक के रखते हैं, अगर ज्यादा प्रेशर आ गया है तो तब हम लोग ये जाते हैं और पोटी में जो पूरा जो रिलीज करते हैं। और ये जो है रेक्टम का जो लोअर और एनस का जो इंटरनल स्फिंक्टर रहता है, ये अगर मान लीजिए कि ये सेंसेशन भेजता है ब्रेन को कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो निकालना है, जो फीकल प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ निकालना है, तो ब्रेन डिसाइड करता है कि इसे अभी निकालना है या नहीं निकालना है। तो अगर हम जब हम सोए हुए रहते हैं तब हमें ये किसी तरीके का प्रेशर जो है वो फील नहीं होता है, उस टाइम पे क्या होता है कुछ समय के लिए जब हम लोग अनकॉन्शियस रहते हैं सोए हुए रहते हैं तब ये जो सेंसेशन रहते हैं वो कुछ समय के लिए स्लो डाउन हो जाते हैं, वो ब्रेन को इतना सेंसेशन नहीं प्रोवाइड करते, या फिर ब्रेन देखता है कि अगर कुछ समय के लिए अगर इसको होल्ड किया जा सकता है तो वो होल्ड करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनल स्फिंक्टर। जैसे ही अगर हमें फील होता है कि हमें अभी बाहर की तरफ इसे निकालना है
तो ये तीनों जो दोनों स्फिंक्टर जो है वो खुल जाते हैं और धीरे धीरे ये निकलना शुरू हो जाते हैं। यहां पे एक और मसल रहता है जो पेल्विस रीजन रहता है, वहां पे पेल्विस लोअर पेल्विस मसल रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो रेक्टम है, जैसे कि ये मान लीजिए ये सीधा हाथ जो है, ये रेक्टम और एनस सीधा है, तो यहां पे जो मसल रहते हैं उसको थोड़ा सा ऐसे एंगल देते हैं। ये एंगल क्यों देते हैं, ताकि ये कंट्रोल कर सके, ये मसल जो रहते हैं ये भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं कि भाई जो फीकस है उसे बाहर अभी निकालने में अगर किसी कॉन्ट्रेक्शन की अगर जरूरत है तो वो कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो है वो यहाँ पे जो पेल्विस लोअर पेल्विस मसल रहते हैं वो करते हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे लीवर पैंक्रिया और गाल ब्लेडर का क्या काम रहता है जो कि डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। तो इसका मेनली क्या काम रहता है, तो लीवर जो है लीवर के काफी काम रहते हैं, इसे केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है हमारे बॉडी का, डिटॉक्सीफाई करती है, कोई ड्रग्स वगैरह अगर आ जाते हैं या जो दवाई हम लोग लेते हैं उसे डिटॉक्सीफाई करना, उसे पचाने में हेल्प करती है। लीवर बाइल जो है वो रिलीज करती है, बाइल क्या करता है फैट और विटामिन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये डायग्राम पहले देख लीजिए, ये लीवर है, पैंक्रिया, गॉल ब्लैडर, और ये ड्यूडेनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला है जो हिस्सा है। ये ड्यूडेनम में ये सब अपने अपने जो एंजाइम्स है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो डाइजेस्टिव लिक्विड रखता है वो यहाँ पे रिलीज करते हैं। लीवर से बाइल रिलीज होता है जो कि फैट और विटामिन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक एंजाइम या पैंक्रियाटिक जूस जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे रिलीज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो बाइल वगैरह जो है या फिर जो लीवर है वो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से रॉ मटेरियल, फिर वो अपने इसमें प्रोसेस करके ब्लड स्ट्रीम में एक प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई करता है। ड्रग्स वगैरह आ गए हैं, कोई दवाई आ गई है, उसे भी वो लीवर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ले लेता है और अपने यहाँ पे प्रोसेस करके जो जो जैसा रिक्वायर्ड है उस तरीके से वहां से प्रोसेस करता है, ब्लड स्ट्रीम में वो फेंक देता है। तो ये डाइजेशन एब्सॉर्प्शन जो अलग अलग रहते हैं ये पैंक्रियाटिक जूस बाइल और लीवर के बेसिस पे होता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, लीवर में से जो बाइल आता है वो सिर्फ इसे कॉन्सेंट्रेट करता है, स्टोर करता है और जब जरूरत रहती है तो ड्यूडेनम में रिलीज कर देता है। बाइल की वजह से जो पोटी का कलर है वो हल्का सा पीला जो आता है हमारा, तो वो बाइल जो इसमें रिलीज होता है उसकी वजह से वो पीलापन देखने को मिलता है। तो सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है मैंने चैनल पे, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आई बटन पे भी आपको दिखाई देगा ऊपर। आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।